सबसे पहले तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी को, माननीय हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय वी डी शर्मा जी और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को, सभी राष्ट्रीय नेतृत्व को, प्रदेश के नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने पुनः एक छोटे से कार्यकर्ता पर जो विश्वास किया है उस विश्वास पर खरा उतरूंगा और भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत के साथ खंडवा लोकसभा से जीत कर जाएगी और क्षेत्र का विकास और गरीबों का कल्याण, यही मेरी सबसे बड़ी लिपि। विकास के मुद्दे को लेकर हम लगातार रात दिन 24 घंटे जनता के बीच में, जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो विकास के काम किए जा रहे हैं उन विकास के कामों को लेकर जनता के बीच में रात दिन लगे हैं और आने वाले समय में और हमारे क्षेत्र में युवाओं को रोजगार मिले, किसानों को समृद्ध बनाने के लिए, मातृशक्ति को समृद्ध बनाने के लिए जो हमारी सरकार काम करी है उन सरकार के कामों को नीचे तक ले जाकर सभी वर्गों को साथ में लेकर सभी वर्गों का भला करके क्षेत्र का विकास करके इस दिशा में हम काम कर रहे हैं और आगे भी लगातार काम करते रहेंगे। राम मंदिर का फायदा मिलेगा निश्चित रूप से। आज हम सब लोगों के आराध्य भगवान प्रभु श्री राम जी हैं और प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पे और हमारे सभी देशवासियों पर भी है और हम सब लोग जो संकल्प था, जो सबका सपना था कि भारतीय जनता पार्टी की जब भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तो राम मंदिर के मुद्दे को भी हम हल करेंगे और वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वो राम मंदिर का मार्ग भी प्रशस्त हो गया और प्रभु श्री राम जी उस मंदिर भव्य मंदिर में विराजमान होकर प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद तो हम सब लोग साथ में है, लेकिन विकास हमारा सबसे पहली प्राथमिकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।